गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज ऋषभ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पर्सनली यूके चूज़ क्यों किया। सो उसके रीजंस क्या थे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप बस देखते रहिए। सो देखो, रीज़न नंबर वन, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ मेरे को मिल रही थी मेरे कोर्स में, तो वो है फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ये बोलूँगा कि मैं इट वॉज रिलेटिवली सेफर देन US, क्योंकि वहाँ पे गन्स वगैरह अलाउड होती है और यहाँ पे गन्स वगैरह अलाउड नहीं होती है, तो सेकेंड रीज़न ये था। थर्ड रीज़न ये था कि यहाँ पे जो मिनिमम पेमेंट मिलती है वो अच्छा खासा था। सो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आई वुड से 27-28 लाख मिल रहा था किसी को भी, तो मैं वो भी सेक्टर को पकड़ के यहाँ पे आया। तो ये तीन फैक्टर थे मेरे जो मेरे को यहाँ पे लाए पर्सनली। अब चौथे और लास्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और वो फैक्टर है कि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। सो यूके वी ऑल नो इज़ ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, और इट डजंट मेक सेंस अगर मैं पेरिस जाऊँ या इटली जाऊँ या जर्मनी जाऊँ और मेरे को उन लोग की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो मेरे को जॉब थोड़ी मिलेंगी वहाँ पर, क्योंकि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा वहाँ पर। सो मैं फोकस किया था इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, मेरा था 2-3 कंट्रीज़ प्रेफरेंस, US आती थी, कनाडा आती थी, UK आती थी, और बाकी सारे रीजंस जो मैंने आपको बताया दिया उससे US तो बाहर ही हो रहा है। कनाडा में ट्राई किया बट मेरे को नहीं लगा, तो मैंने उसको भी साइड कर दिया, वीज़ा बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने फिर UK को चूज़ किया था। तो ये थे मेरे चार रीज़न व्हाई आई चूज़ द UK।